रेड वाले को मैंने गिराया, चारों शाने चित हो गए। गन वाली कैट्स आ गई भाई, खुद कुछ बमबार कैट्स भी हैं इसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है स्टेयरवेज 3D। आपने पिछली वीडियो पे मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो इसी तरह हम गेमिंग ही करेंगे, ठीक है। रेट्रो गेमिंग भी हम इसमें करेंगे, जो छोटी गेम्स हैं मैंने आपको पहले बताया था। तो देखते हैं कि ये गेम किस तरह की है, आइए शुरू करते हैं। प्ले पर मैंने क्लिक कर दिया। ये गेम बिल्कुल जो है जिस तरह मोबाइल में हमारे पास ब्लॉक वाली गेम्स होती हैं, बिल्कुल उस टाइप की गेम है। और है ये ऑनलाइन गेम, मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें भी जस्ट इसी तरह देखें, आप ब्लॉक्स जफा करने हैं और सीढ़ी बनानी है। स्टेयर रेस है डेफिनेटली। तो इसमें जिनके पास ब्लॉक कम है या जो इकट्ठे नहीं कर पा रहे उनको मैं गिरा रहा हूँ फिलहाल। आप देख सकते हैं, और बेचारे की मैंने मेहनत ज़ाया कर दी, जॉश की। मुझे लग रहा है मेरी मेहनत ही कुछ ज़ाया कर रहा, और कोई मेरे ख्याल से आउट हो गया, गिर गया वो नीचे। अच्छा, इसमें नीचे गिरने वाला भी सीन है, साइड्स पे जो ये एरिया खाली है इसमें। मैं ये देखें किसी को गिराता हूँ। बचत हो गई इसकी, चले। वो गिरा नहीं था, वो सेकंड फ्लोर पे। ओह हो, बहुत ही बच्चा। अबे भाई साहब, ये क्यों, इसको क्या हो गया? अभी इसकी मैंने जाए देखा हूँ, चला गया ऊपर। एंड आई एम आउट। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे इसको। है थोड़ी लेंथी गेम, मुश्किल भी है ज़रा, इस तरह मुश्किल है कि डेफिनेटली रेस है। और सीढ़ियाँ भी एक एक ही हैं, ये लोग मेहनत भी ज़ाया करते हैं बार बार गिरा गिरा के। ये रेड वाले को बहुत ही तेज़ है, पिछली गेम भी जीता है इसको, मैं कोशिश करता हूँ। तो भाई साहब, इतनी लंबी सीढ़ियाँ। रेड वाले को मैंने गिराया, चारों शाने चित हो गए। बहुत ही तेज हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है। साले जरीर को बताता हूँ, मेरे ब्लॉक्स ही नहीं है, खत्म हो गए क्या? आई नहीं रहे ब्लू वाले ब्लॉक। गेम का जो म्यूज़िक है बहुत बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग है अब उससे। अलबत्त क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है गेम की, फील नहीं आ रही गेम के अंदर, मज़ा नहीं आ रहा। मेरा माउथ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गेम है। ओके जी, ये जो दूसरी गेम हमारे पास है आज, वो है स्मैश कार्ड्स। गेम स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, और बेसिकली ये एक कार्ड गेम है जिसमें दूसरी कार्ड्स को हमने फायर वगैरह करना है, तो यानी कि किल करना है। तो बैटल है, कार्ड्स की बैटल है। ये काफ़ी मुश्किल, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्ड्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी तक दो निशान, दो हंट कर ली है। ओके, मेरे पीछे कोई है, वो दुश्मन जो है वो माइंस लगा के चला गया। आपको बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ फिलहाल में, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। लाइफ मेरी थोड़ी सी रह गई है, बचत हो गई, एंड आई एम डेड। लेकिन मैंने तीन शिकार किए हैं अब तक, गेम काफ़ी अच्छी चल रही है। एक राउंड से हम इसका और खेलेंगे, देखेंगे कि हम
किस तरह के खेल सकते हैं इसको। कार्ड को कंट्रोल करना ही इसमें सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओ एक कार्ड मैंने और उड़ा दी। शिट। मेरे सामने ही उसने जो है वेपन उठा लिया था और मैं बचने की कोशिश कर रहा था और उसी में मैंने अभी तक सबसे ऊपर जो है वो प्लेयर 5091 पता नहीं कौन है और मैं सेकंड प्लेयर हूँ। आप देख सकते हैं ए बी के नाम से मेरा आ रहा है। एक और प्लेयर मैंने उड़ा दिया। गेम का टाइम है शायद यस 40 सेकंड का टाइम रह गया। देखते हैं कौन जीतता है। ओए 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 मैं बीच में आ जाऊँ। किसी ने माइन लगाई हुई थी और मैं तबाह हो गया। लेट्स ट्राई अगेन। कोई बात नहीं मैंने गेम ऑलरेडी बहुत प्यारी खेली है मैंने अभी तक। या तो वो प्लेयर नहीं था जिसको अभी अभी मैंने मारा है या तो वो कोई बॉट था। बहुत ही नूब खेला है उसने। 6 किल्स मेरे हो गए और एक वो बॉट है प्लेयर है जिसके 9 किल्स हैं। खैर लेट्स मूव टू नेक्स्ट गेम। और ये जो दूसरी गेम हम खेलने लगे हैं ये है कैट गनर के नाम से। लेट्स प्ले एंड फाइंड आउट किस तरह की गेम है। ओके शूटिंग गेम है बेसिकली। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि शूटिंग गेम है। इसके अंदर डिफरेंट जो जॉम्बी हैं वो भी कैट्स हैं और हम एज अ हीरो भी कैट हैं। तो आगे चलते हैं देखते हैं किस टाइप की है इसमें आगे क्या है। बहुत रेट्रो इसकी फीलिंग है। इसके कलर्स इसका जो राउंड है लेवल्स हैं बहुत ओल्ड विंटेज आपको जो है ना लुक और फील देता है। गेम अच्छी है बहुत अच्छे FPS हैं बहुत फास्ट चल रही है एकदम स्मूथ। सेकंड लेवल में हम आ गए। इसके अंदर में एक हॉस्टेज को भी बचाना है। जो हॉस्टेज है वो भी एक बिल्ली है। ये हॉस्टेज है हमारा। ओके छुड़ा लिया हमने। पूरी कैट वर्ल्ड है दरअसल। जितने दुश्मन हैं जितने भी ये लोग हो वो कोई फायरिंग नहीं कर रहा भाई। एक और हॉस्टेज है जिसको मैं बचाना है। नहीं कुछ कैट्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं जिनको मारना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके गन वाली कैट्स आ गई भाई। खुद कुछ बमबार कैट्स भी हैं इसमें। अपने साथ उन्होंने बांधा हुआ बॉम्ब और आते सीधा जो है ना फटती हैं। जो अभी हमने हॉस्टेज बचाया है वो शायद उसके साथ कोई स्टोरी है इस गेम में क्योंकि स्टोरी मोड अभी हम खेल रहे हैं इस गेम में। लेट्स सी क्या स्टोरी है। ओके बॉस लेवल है इसमें बॉस है शायद देखते हैं। ओहो ख्याल से बॉस आ गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है हो गया है लेवल। ओहो मुश्किल है काफ़ी मुश्किल है लेवल।
क्योंकि बॉस है तो जाहिर सी बात है आसान तो नहीं होने वाला। गेम थोड़ी सी मुश्किल है इन अ सेंस कि जिसमें एनिमीज हैं, जिसमें दुश्मन है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साला ये बॉस मर ही मिला। अच्छा मेरे पास जो है ना वो भी है, दस्ती बम भी है मेरे पास, दे दें। अच्छा एक हमने जो है वो तबाह कर दिए करते रहे। अच्छा एक इस गन इसके हमने तबाह कर दिए, एक ही गन रह गई इसकी, हेल्थ बहुत लो है नहीं मेरे पास, थोड़ी सी फिश खानी पड़ेगी। लो हेल्थ अभी भी लो हेल्थ वाई। थोड़ी नहीं रहा भाई, क्या करें। आई एम डेड, बहुत मुश्किल है। ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस टाइप की गेम्स अगर आप मज़ीद भी देखना चाहते हैं या आप मुझे अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप किस टाइप की गेम्स खेलते हैं या देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ। बाय।